इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। आईपीएल के अगले सीजन में दो नई टीमों को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए बीसीसीआई अगस्त में टेंडर भी निकाल सकती है। आईपीएल में अब तक 8 टीमें खेलती रही हैं, जबकि दो नई टीमों के शामिल होने से इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। दोनों नई टीमों को खरीदने में अडानी और गोयनका ग्रुप सबसे आगे चल रही है। दो नई टीमों के शामिल होने के बाद मैचों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा। वही दोनों टीमों का बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए हो सकता है। इससे बीसीसीआई को बड़ी कमाई होने की उम्मीद भी है। इनमें गुजरात और पुणे की टीम टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए मजबूत दावा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सीजन से शर्तों के अनुसार 4-4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा उनमें 3 देशी और 1 विदेशी खिलाड़ी शामिल होगा, या फिर 2 देशी और 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। वही मात्र 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली फ्रेंचाइजी के खाते से 15 करोड़, 11 करोड़ और 7 करोड़ रुपए काटे जाएंगे। वही सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाना चाहिए। मुंबई इंडियंस को लेकर उनके फैंस रोहित शर्मा, पुलाड, जसप्रीत बुमराह को रिटेन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चौथे खिलाड़ी को लेकर फैंस में असमंजस का माहौल बना हुआ है। वही चेन्नई की बात करें तो रिटेन लिस्ट में सबसे पहला नाम एमएस धोनी का ही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बात जरूर चर्चा में है कि अगला सीजन धोनी खेलेंगे या नहीं। वही रैना और जडेजा को लेकर फैंस में काफी माथापच्ची भी है। चौथा खिलाड़ी के तौर पर दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर में भी जद्दोजहद बनी रहेगी। वही विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो सैम करन और फाफ डुप्लेसिस को लेकर भी चर्चा रहेगी। D3 न्यूज़।